नमस्कार, स्वागत है एक और वीडियो में। आज रविवार है यानी छुट्टी का दिन। हम तो नहा धो लिए हैं, गाड़ी की भी आज जो है सफाई होनी है, तो गाड़ी की सफाई चल रही है। आज शाम जाने वाले हैं अटल बिहारी कन्वेंशन, कुमार विश्वास जी आ रहे हैं। आजाद हिंदुस्तान का वो चमकता सितारा जिन्होंने दशकों तक भारतीय राजनीतिक पटल को अपने ओजस्वी व्यक्तित्व से चमकाया और देश के हर दौर को रोशन किया। गीत नया गाता हूँ टूटे हुए तारों से, टूटे ना समती पर पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, जरे सब पीले पात कोयल की खूब रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। संग्राम है जीवन, महासंग्राम है। दिल से चलूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा। माता की करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें जी का अध्यक्ष। इस समय कुमार विश्वास जी हमारे बीच है, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार विश्वास जी। लखनऊ की सरजमी पर आपका स्वागत है। आप ये जो कवि है आज के बेटा बाकी सब करो, ये जिंदाबाद छोड़ो। जिंदाबाद के चक्कर में मेरे जीवन के 7-8 साल बर्बाद हुए। कि तुझी में रात हो जाना, तुझी में रात हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। प्रेम चाहे मुल्क से हो या महबूब से हो, आपको प्रेम बड़ा करता है। आप इश्क करते हैं तो बड़ा करता है, चाहे माँ से करें, चाहे भगवान से करें, चाहे किसी चेहरे से करें, चाहे सरहद से करें। कि तुझी में रात हो जाना, तुझी में भोर हो जाना, तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। मैं सुना रहा हूं आपको, कि तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना, तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना। अगली पंक्ति पर प्रारंभ कर दीजिए मुझे। तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना, मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर हो जाना, मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर हो जाना। के बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। यही पेमेंट है। के बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले, बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले, तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। मैं पिछली शताब्दी का आदमी हूँ, 70 में पैदा हुआ, अर्धशती बीत गई, लेकिन इश्क कैसे किया जाए, किसी से भी किया जाए, दो पंक्ति सुनना। कि तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले, तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी, तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी, जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के। और ये खुददारी रहनी चाहिए उत्तर प्रदेश के नागरिक में। कोई चुनौती आए, किसी प्रकार की चुनौती आए, हम भारत के सबसे बड़े राज्य हैं आबादी की दृष्टि से भी,
और अपनी गुणवत्ता की दृष्टि से भी। इसलिए दो पंक्तियां अपने राज्य के युवाओं को सौंपता हूँ, कभी संकट आए कभी अंधेरा घेरे तो ये पंक्तियां सुनना, निवेदन करता हूँ कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम, हवा का काम है चलना, दिए का काम है। अगली पंक्ति पर पता चले कि भारत गा रहा है अटल जी के सम्मान में। हवा का काम है चलना, दिए का काम है चलना, वो अपना काम करती है मैं अपना। किसी के दिल की मायूसी जहां से होके गुजरी है, हमारी सारी चालाकी तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना, तुम्हारी सोच के गुजरी है। आप मुझे बुलाते ही क्यों थे? चलो तुम सभी गाओ, जितने बाहर तीनों हॉल में लोग हैं लाइव जा रहे हैं, सब गाओ कि कोई दीवाना कहता है, कोई मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है, मेरा दिल। समय की मर्यादा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मंच को देखिएगा और शायद आपकी तालियां गूंजेंगी। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है, राम मनहर भी है, राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम मानस भी है और गीता भी है, राम और गीता, राम मानस भी है। मैं सिर्फ इसलिए प्रसन्न हूँ कि ये कविता इन दिनों IITs बरेल में गाई जा रही है, NITs में गाई जा रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे गा रहे हैं, इसका मतलब कुछ हुआ। राम मानस भी है और गीता भी है, राम और गीता। अगली पंक्ति पर मेरी माँ के लिए हाथ उठाना। राम मानस भी है और गीता भी है, राम और गीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है। राम साधन भी है, राम ही साधना, राम राम ही साधना, राम आराध्य है, राम आराधना, राम। एक पंक्ति विशेष रूप से सुनिएगा। राम गृहस्थ है, राम है संत भी, राम राम आरंभ भी, राम ही अंत भी, राम राम ही अंत भी, राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। एक उसे दोबारा सुनाता हूँ। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है, राम पता नहीं आप में से कितने लोग देख पाते होंगे, मेरा ये निजी कमजोरी है कि मैं भगवान का विग्रह 5 मिनट लगातार नहीं देख सकता, क्योंकि फिर मैं रोने लगता हूँ। इस पंक्ति को यूं महसूस कीजिए, आपको समर्पित करता हूँ मुख्यमंत्री जी। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है, राम और मनस्वी, राम राजा भी है और तप
हंसी भी है रंग बिरंगी ही दुनिया, दो आंखों में कैसे आए इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, दो आंखों में कैसे आए। अगली पंक्ति संभालना, वो ध्रुव पंक्ति है ताकि दोनों मन सुना पाऊं अपनी तालियों से। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, दो आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी, तालियां आपकी थोड़ी कम थी पर कोई बात नहीं। इतनी रंग बिरंगी, ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले। आपके हर लाइन में एक चेहरा नजर आएगा आपको, आप सबको भी नजर आएगा। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, नहीं किसमें नजर आने लगे। ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे, ऐसे सरल मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे, ऐसे चतुर मिले जो ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। फिर एक पंक्ति आ रही है मंच की तरफ, ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे, ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट से पानी पीते, ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट से पानी। ये पंक्ति मैंने जी है 35-36 वर्ष मंच पर, और मैं अगर इतना सभ्य हूँ, भूपेंद्र भैया हमारे, मतलब मैं इनके इलाके से हूँ, ये क्या हमारे इलाके से होंगे। हमारे इलाके में महाराज जी भाषा में इतना सभ्य होना ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने के बराबर है। हम जिस वेरेंट कमिश्नरी से आए ना, वहां अगर आदमी जैसे मैं बोल रहा हूँ इस पर तो ज्ञानपीठ दे ही देना चाहिए। हमारे यहाँ कोई सीधी बात नहीं होती कोई भी, तो गाँव में किससे पूछ लो, हमारे यहाँ मेरठ में किससे, बावली में, बड़ौद में किससे पूछ लो, तो भाई चौधरी के बजा बोला लट बजेगा। जैसे इसके अलावा कोई बजता ही नहीं हो, तो भाई घड़ी में के बजा, तो घड़ी में बजा जाता, घड़ी में बजा बजेगा। जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे थे, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे निकले, जिनको पतवारे सौंपी थी। क्या देश है, इसी बात पर बहस चलती रही इस देश में 15 साल के राम हुए कि नहीं हुए, और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, और जब आखिरी चरण में मुकदमा था तो उन दिनों रामनवमी पड़ गई तो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी हो गई। तो मैंने जज साहब को फोन करा कि अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों, और छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे। अंदर से तारे निकले, जिनको पतवारे सौंपी थी, जिनको। और ये आपने अच्छा किया अटल जी के लिए आपने कार्यक्रम कहा। एक बात और कहिएगा, अटल जी का जिस जिले में कार्यक्रम हो, जिस विधानसभा में कार्यक्रम हो, आपका विधायक सामने बैठ के सुने, क्योंकि तो कवियों को सुनना सीखना पड़ेगा, कभी तो इसी काम के लिए। आपसे कौन कहेगा, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप सब चलाने वाले हैं, कवि ही कहेगा। ये हर युग में आवश्यकता है कि कभी खड़ा हो सत्ता के सामने, और सत्ता अच्छा करे तो उसका वर्धापन करे, और सत्ता विचलित हो तो सत्य पर विजयी करे। जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे निकले, जिनको पतवारे सौंपी थी। शब्द देखना कविता का, अटल जी का वंशज पढ़ रहा है। जिनको पतवारे सौंपी थी, वे भंवरों के सूद खोर थे। फिर ये पंक्ति संभालना, जिनको पतवारे सौंपी थी, वे भंवरों के सूद खोर थे, जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे थे, जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे निकले, वे मंजिल तक क्या पहुंचेंगे। अंतिम पंक्ति और आभार, कितने महत्वपूर्ण लोगों ने समय निकाला मुझे सुनने का।
अरे बैठ जा। ये क्या है ना, ये भूपेंद्र जी, ये हम भी तो राजनीति का थे, एक मंच पे जैसे आप बैठे हो, हम जाते थे विधायक बोल रहा होता था, फिर हमें बोलना होता था बाद में, तो मंच पे एक लड़का आता था, वो कान में कहता था भैया वो चाय में चीनी लेंगे कि बिना चीनी, वो सामने फोटो खिंचवा देता था, फिर वो अपने फेसबुक पे लगाता था, कोसी उपचुनाव के टिकट के लिए अध्यक्ष जी से बातचीत। जिनको हमारे समय में बेटा इन चक्करों में फंसने वाला नहीं हूँ, साथ साथ बढ़ता हूँ। वे मंदिर तक क्या पहुंचेंगे, और राम पर कविता सुनवा दी, विचलित मत हुआ करो, कोई संशय करे शंका करे, नई बात थोड़ी है, पहले भी हुई है, इंद्र का एक लड़का था जयंत, उसने भी की थी, इंद्रों के लड़कों की आदत होती है कि वो राम पर संशय करते हैं। वे मंदिर तक क्या पहुंचेंगे, मिला करिए मुझे, वे मंदिर तक क्या पहुंचेंगे जिनको खुद रास्ता भटकाए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए, इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आँखों में कैसे आए।